तो अगला टॉपिक हमारा जो है ना वह है डोमेन, प्री डोमेन, वनली प्री डोमेन, को डोमेन, रेंज, वनली को डोमेन। अब देखो ये तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 है, बी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 2 4 6 8 10 12 है, तो यहाँ ए क्रॉस बी करना है। तो 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 3 का 6 हुआ, 4 का 8 हुआ, 5 का 10 हुआ, 6 का 12 हुआ। तो देखो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आ रहा होगा कि वाई इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब तुम्हारे पास काहे 2x हो गया, सब दुगना दुगना है, तो अब यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 है, रिलेशन डिफाइंड ए क्रॉस ए है, वाई इज इक्वल टू 3x है, यानी y इज इक्वल टू 3x है, यानी x का अगर वैल्यू 1 रखेंगे तो y यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर प्री डोमेन की बात करेंगे तो 1 से लेकर 14 तक हो जाएगा, डोमेन की बात करेंगे तो करने वाला, तो 1 का 3 हुआ, 2 का 6 हुआ, 3 का 9 हुआ, 4 का 12 हुआ, यानी करने वाला 1 2 3 4 हो गया। वनली प्री डोमेन यानी जो वहां पर गया लेकिन नहीं कुछ किया, तो वो है 5 6 7 8 9 14 तक है। अब यहाँ पर को डोमेन है तुम्हारे पास, माने ये पूरा का पूरा को डोमेन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 14 तक हो गया। रेंज माने क्या आया, तो 1 रखने पर तुम्हारे पास क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, 2 रखने पर 6 आ रहा था, 3 रखने पर 9 आ रहा था, और 4 रखने पर 12 आ रहा था। वनली को डोमेन क्या हुआ कि जो बिना ऐसे ही आ गया, तो 1 2 हो गया, यहाँ पर तुम्हारे पास 4 5 हो गया, 7 8 हो गया, 10 11 हो गया, 13 14 हो गया। इसे तुम क्रिकेट से भी देख सकते हो कि जैसे इंडिया अगर का प्लेयर चुना जाता है तो 15 प्लेयर चुना गया, तो वो आपका हो गया प्री डोमेन, वहां जाकर जो कोई 11 खेला वह आपका डोमेन हो गया, और जो वहां पर गया लेकिन नहीं खेला, यानी 4 पीरियड तो नहीं खेलेंगे, तो वो वनली प्रीडोमेन हो गया। जो मेहनत से बनाया गया वह रेंज कहलाया, जो एक्स्ट्रा वगैरह आ गया वह आपका वनली कोडोमेन कहलाया, और टोटल मार्क्स जो हुआ वह कोडोमेन हुआ। इसको व्यवहारिक ढंग से ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास क्या है ना कि इस पर जो है क्वेश्चन तुम्हारे पास है, क्वेश्चन को तुम्हारे पास करना है कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5, द सेट बी इज इक्वल टू जो है 3 6 10 है, फ्लो ऐसा करना है कि एक्स डिवाइडेड वाई एक्सप्रेस द रिलेशन सेट ऑर्डर पेयर, डिटरमाइन द डोमेन प्री डोमेन, वनली प्री डोमेन, को डोमेन, रेंज वनली। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 2 3 4 5 है, यहाँ 3 6 7 8 है, 10 है, तो अब तुम्हारे पास रिलेशन कह रहा है कटने वाला, तो 2 से 6 कटेगा, 2 से 10 कटेगा, 3 3 कटेगा, 3 6 कटेगा, 5 10 कटेगा, तो इसमें प्री डोमेन तुम्हारे पास कौन हो गया, पहले से कौन कौन था, 2 3 4 5 था, डोमेन कौन कटने वाला है, तो 2 3 5 था, वनली प्री डोमेन कौन हो गया, 4 हो गया, को डोमेन में तुम्हारे पास 3 6 10 10 होगा, रेंज में तुम्हारे पास 3 6 10 हो गया, वनली को डोमेन क्या हो गया तुम्हारे पास 7 हो गया। इसी ढंग से डिटरमाइन द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड x+1 x+5 है, x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5 है, तो इसको मान लो कि ये होल नंबर है, ये भी वाला होल नंबर है, तो 0 रखने पर तुम्हारे पास 1 आ रहा है, यानी डोमेन में वहाँ 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर रेंज में क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर 1 1 यहाँ 0 रख रहे हो तो 0 5 हो रहा है, यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इस ढंग से तुम डोमेन रेंज का क्वेश्चन बना सकते हो। धन्यवाद।